में परिवहन आयुक्त कमलप्रीत सिंह के साथ बस संचालकों की बैठक के आज आदेश के बावजूद प्रदेश में बसें नहीं चल रही हैं। परिवहन आयुक्त कमलप्रीत सिंह ने बैठक बुलाई है अपनी तीन मांगों को लेकर। बस संचालक अड़े हुए हैं। संचालकों की मांग है कि लॉकडाउन की अवधि में आगामी छह महीने के लिए टैक्स माफ किया जाए, डीजल के अनुपात में किराया वृद्धि की जाए, नॉन यूज बसों को बिना टैक्स के खड़े रखने की अनुमति दी जाए। लगातार सुप्रिया बनी हुई है, सुप्रिया लगातार बस संचालकों की मांगे हैं और लगातार इस पर माथापच्ची चल रही है। क्या लगता है आज जाकर कुछ निराकरण हो पाएगा? जी बिल्कुल, निराकरण हो पाएगा क्योंकि राज्य सरकार के आदेश के बाद भी जो है बसों का संचालन नहीं हो पाया था, जिस सिलसिले में कल जो है वन मंत्री के साथ बैठक होनी थी लेकिन बैठक किसी कारणवश स्थगित हो गई और आज परिवहन आयुक्त कमलप्रीत सिंह के साथ बस संचालकों की बैठक होगी। बैठक में जो कमलप्रीत सिंह ने बैठक बुलाई है कि बस संचालकों की मांगे हैं तो किन मांगों को जो है पूरा किया जा सकता है। बस संचालकों की मांग है कि लॉकडाउन की अवधि में आगामी छह महीने के लिए टैक्स माफ किया जाए। बस संचालक ये भी कहते हैं कि बस में अगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा और अगर यात्री ऐसे में कम होंगे तो हम लोगों को जो है किराया जो है वो भरपूर नहीं आएगा और हम लोग को ऐसे में जीवन चलाना मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरीके से बस संचालकों की मांग के साथ ही अभी पेट्रोल डीजल के जो दाम है वो भी बढ़े हैं तो ऐसे में भी किराया वृद्धि की मांग जो है वो बस संचालक कर रहे हैं। साथ ही नॉन यूज बसों को बिना टैक्स के खड़े रखने की जो अनुमति है वो बस संचालक मांग रहे हैं। साथ ही तमाम मांगों के साथ जो बस संचालक है वो बस नहीं चलाने का फैसला लिया है। राज्य सरकार ने जो परसों जो है अनुमति दे दी थी कि बस जो है वो चलेंगे लेकिन बस संचालक जो है अपनी जिद में अड़े हुए हैं कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती तो अनिश्चितकालीन के लिए जो है बस को जो बस का संचालन जो है वो बंद कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर बस संचालकों ने फैसला लिया है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया सुप्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। और इंदौर में 32 नए मरीजों में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। 4575 हुई कुल संक्रमितों की संख्या, 2000 माफ कीजिएगा 218